हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइम प्लिंकन वीरर को स्टडी करते हैं। प्लिंकन वीरर एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग म्यूजिकल सॉन्ग के तौर पे आपकी पोइम है। अब ये जो पिक्चर आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, वे एक्चुअली जो प्लिंकन है उसका मतलब होता है पालकी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर पालकी की पिक्चर आपको शो कराई है ताकि आपके दिमाग में वो पॉइंट्स की एक इमेज क्रिएट हो, और जो आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो पिक्चर है वो पालकी की है और दो लोग बाकायदा पालकी को उठा रहे हैं। एक्चुअली आज के टाइम की ये बात या पोइम है नहीं है, ये बात पोइम काफ़ी पुरानी पोइम है। और उस समय जो रॉयल ब्राइड होती थी उनको पालकी वीयर ही उठाते थे, पालकी में ले जाने वाले लेकर ही ससुराल जाया जाता था। तो यहाँ पर जो आपकी पोइटेस हैं सरोजनी नायडू, इस पोइम को म्यूजिकल और एक तरह से कंट्रडिक्टरी वे में इस पोइम को हमारे सामने रखती हैं, और हम इस पोइम से काफ़ी हद तक प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि इसकी टोन, इसकी सॉन्ग वे बहुत, और इसकी इमेजिनरी तो वंडरफुल पोइटेस ने यूज़ करी है। वो इस पोइम से, इस तरह की सिचुएशन से हमें डायरेक्टली कनेक्ट करती है। हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। Lightly, oh lightly, we wear her along. She sways like a flower in the wind of our song. Lightly, lightly मतलब इतनी हल्की है, oh lightly, वो बहुत ज़्यादा हल्की, we wear her along, जिसको हमने पालकी में उठा रखा। we wear मतलब सहन करना, मतलब उनको उसका वजन बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा, बहुत उनका जो भी ब्राइड उसमें बैठी है पालकी में, उसका जो वज़न है, जो पालकी वियर हैं उनको बहुत ही कम लग रहा है, इसलिए वो लाइटली, ओ लाइटली वी वियर हर अलोंग। सी स्वेज लाइक ए फ्लावर इन द विंड ऑफ आवर सॉन्ग। सी स्वेज, स्वेज मतलब झूलना होता है। सी स्वेज, वो इस तरह से झूल रही है जैसे एक फ्लावर हवा में झूलता है। जो ये जो भी प्लिंकन वीयर उसको ले जा रहे हैं ब्राइड को, वो एक्चुअली गाना गाते हुए उसको ले जा रहे हैं। तो गाने के साथ मैं बोल रहा हूँ, और उनका गाना डायरेक्टली किसको डिनोटेड है, उस ब्राइड को। तो वो बोल रहे हैं कि कितनी हल्की है ये लेडी या जो भी ब्राइड है कि हम इसको आसानी से कैरी कर रहे हैं। सी स्वेज, वो तो इस तरह से जब हम इसको कैरी कर रहे हैं तो ये इस तरह से झूल रही है जैसे कि एक फ्लावर हवा के चलने पर झूलता है। ये जैसे हम जैसा गाना गा रहे हैं उसके सॉन्ग में, उसके जो हम गाना गा रहे हैं उसमें एक हवा से जो फूल घूमता रहता है, उस फूल की तरह ये हमारी पालकी में झूल रही है। सी स्किम्स लाइक ए वर्ड ऑन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रीम। सी स्किम्स का मतलब है एकदम एक तीव्र गति से निकल, जैसे फॉर्म का मतलब होता है झांग, जिस तरह से स्ट्रीम झरना होता है, जब झरने के ऊपर जैसे कंटिन्यूटी में अगर पानी नीचे गिरता रहता है तो झाग क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं झागों की बोले जो पानी के द्वारा या किसी तीव्र गति के पानी से जो बनते हैं, उनकी बात यहाँ पर की जा रही है। कि सी स्किम्स, स्किम मतलब वो जो झाग हैं, जो झरने के ऊपर जो झाग बने हुए, उन पर जिस तरह से पक्षी बिना उनको टच किए उनके ऊपर से निकल जाता है, इन द सेम वे वह भी उतनी नरम, इतनी नाजुक है कि वह भी बिना टच किए, बिना किसी को अपना बोझ, अपना वजन का एहसास करे, हम उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। सी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। सी फ्लोट्स वो तैरती है लाइक ए लाफ, एक हंसी की तरह, जिस तरह से कोई सपना आ जाता है तब हमारे जो लिप्स है उस पर बिल्कुल आराम से, कि बिना किसी कोई परेशानी के हम आराम से हंस लेते हैं, इन द सेम वे वह भी उस तरह से तैर रही है, उसके भी होठों पे खुशी तैर रही है, और वो हमारे गाने में भी सपनों पर आने वाले मतलब खुशी जो होठों पे ऑटोमेटिक खुद ही आ जाती है, उस खुशी की तरह वो तैर रही है। गैली, ओ गैली, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। गैली मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। वी ग्लाइड, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, एंड वी सिंग, और हम गा रहे हैं। वी वियर हर अलोंग लाइक ए पर्ल ऑन ए स्ट्रिंग। वी वियर, हमने उसको सहन कर रखा है, धारण कर रखा है, जिस तरह से मोतियों, स्ट्रिंग मतलब होता है माला, जिस तरह से माला
में मोती लगे रहते हैं, उस तरह हमने भी उस ब्राइड को अपनी जो पालकी है उसमें उठा रखा है। ये जो लाइन है इसका अलग मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि सी फ्लोट्स लाइक ए लव फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम। यहाँ पर इनडायरेक्टली जो एक कंट्रडिक्टरी वे यूज होगा जो मैं इसमें सेकेंड स्टेंजा में डिस्कस करूँगी, इसमें ये बोला है कि जब वो जो ब्राइड होती है तो उस वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है क्योंकि उसे नया हाउस मिलता है, नई फैमिली का वो एक पार्ट बनने जा रही है। तो ऐसा सोच के उसका जो एक्साइटमेंट रहता है, जो खुशी होती है, यहाँ पर पोएट ने उसको ड्रीम की खुशी से रिप्रेजेंट किया कि मतलब उसे पता नहीं कि वो किस परिवार में कैसे रहे लेकिन फिर भी वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश भी है। तो यहाँ इसलिए इस वर्ड्स की सेंटेंस की यहाँ पर पोएट ने यूज किया है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं कि द प्लेंक्विन वियरर आर कैरिंग ए रॉयल ब्राइड इन ए प्लेंक्विन, दे आर सिंगिंग ए सॉन्ग व्हाइल मूविंग, देयर सॉन्ग इज रिलेटेड टू द सिचुएशन ऑफ द ब्राइड, दे से दैट दे आर बियरिंग द ब्राइड लाइटली, द ब्राइड इज स्विंग लाइक ए फ्लावर इन द विंड, सी इज ग्लाइडिंग लाइक ए बर्ड ऑन द फ्रोथ ऑफ ए स्ट्रीम, सी इज फ्लोटिंग क्वाइटली लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, दे आर सिंगिंग एंड कैरिंग हर हैप्पीली, दे आर कैरिंग हर लाइक ए पल ऑन ए स्ट्रीम, दे आर मूविंग जेंटली एंड केयरफुली बिकॉज दे डज नॉट वॉन्ट टू हर्ट द लेडी, बट दे फील द वेट ऑफ सच लेडी इज वेरी लाइट, दैट इज वाई दे कांट फील बर्डन। इस तरह से ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेंजा की एक्सप्लेनेशन थी। अब हम सेकंड स्टेंजा को स्टडी करते हैं। सॉफ्टली ओ सॉफ्टली वी वियर हर अलोंग, हमने उसके कितने आराम से कितने नाजुक तरीके से उसको अपने साथ में उठा रखा है। सी हैंग्स लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ आवर सॉन्ग, वह तो हमारे गाने में, ड्यू मतलब ओस, कि वह तो हमारे गाने की मैं ओस की तरह लटकी हुई है, एक ओस जिसकी लाइक ए स्टार इन दी ओस, मतलब ओस में तारे की फॉर्म के ऊपर लटकी हुई। जैसे तुमने कभी देखा अगर कभी किसी तिनके या जैसे कोई प्लांट पे ओस लगी रहती है तो अगर उस पर लाइट रिफ्लेक्ट होती है हल्की सी भी तो वो चमकती है, तो यहाँ पर उसी चमक को पोइटिस ने यूज़ किया, उसी चमक को यहाँ पर बताया कि जिस तरह से जो ओस में तारे की झलक हमें दिखाई देती है उस तरह से हमारे जो गाना है उसमें भी वो पूरा गाना हमारा उसी के ऊपर वेस्ट है। सी स्प्रिंग्स लाइक ए बीम ऑन द ब्रो ऑफ द टाइड, सी स्प्रिंग्स मतलब चहकती है, लाइक ए बीम एक लाइट रेज की, मतलब बीम का मतलब वो कई सारी रेज होना, तो जिस तरह से जो टाइड है उसके ऊपर का पार्ट, जैसे ये टाइड है ऐसे, तो इसका जो ऊपर का पार्ट है इस पर जब लाइट चमकती है, सूर्य की जितने भी रेज चमकती हैं तो वो उस रेज से जो चमक उत्पन्न होती है उसके ऊपर है, उस शाइनिंग के से कंपेयर यहाँ पर पोइटिस ने उस ब्राइड को कंपेयर किया है। सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड, वह तो एक मतलब एक आंसू की तरह है जो कि ब्राइड की आंखों से गिरता है। अब यहाँ पर जो पोइटिस है वो ऐसा क्यों बोल रही है, यहाँ पर तो वो लाफ को बोल रही है लेकिन यहाँ पर वो आंसू को बोल रही है, तो यहाँ पर पोइट दो कंट्रडिक्टरी इमेजरी यूज करती है ताकि इस जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उस सिचुएशन को ब्यूटिफुली बता सके। अब ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुई है, जब मैंने फर्स्ट स्टेंजा को डिस्कस किया था तब ये बात बताई थी कि जो पोइटिस है जब उसकी शादी होती है, जो ब्राइड है उसकी शादी हो रही है, तो वो न्यू घर में जाने के लिए क्या है, एक्साइट है, बट एट लास्ट जब वो जा रही है तो उसका एक घर तो छूट रहा है, मतलब जो उसके खुद की फैमिली पहले रही थी, उसके मदर फादर जो भी उसके बिलोंगिंग्स हैं वो पहले रहे थे, तो वो उनको छोड़कर जा रही है, तो उस छोड़कर जाने से उसके अंदर एक मतलब नए घर में जाने से तो हैप्पी मोमेंट है और उसको जाने से सैडनेस है। तो इस तरह से तुम्हारी जो हमारी जो पोइटिस है दोनों इमेजेस को यहाँ पर उसको मिलिंग कर रही है, मिक्सिंग कर रही है ताकि जो एक्चुअल जो सिचुएशन की जो मीनिंग हमें देना चाहती है उस तरह उस सिचुएशन का, जो ब्राइड के जो भी उसके अंदर जो भी फीलिंग्स चल रही हैं, तो यहाँ पर जो पोइट दो कंट्रडिक्टरी इमेजरी यूज़ करके उस टाइम जोन को रिप्रेजेंट कर रही है ताकि हमें उस सिचुएशन से काफ़ी हद तक जान जाए, उस सिचुएशन को समझ जाए।
ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो पोएट है सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड वर्ड यूज कर रही है. लाइटली ओ लाइटली वी ग्लाइड एंड वी सिंग, तुम कितनी हल्की हो वी ग्लाइड, जब हम धीरे धीरे चलते हैं, वी सिंग, और हम तुम्हारे लिए गाना भी, मतलब हम जो पालकी उठाने वाले हैं उनको, जो जब जब भी ब्राइड की वो पालकली उठा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है, वो इसे एक बहुत अपना प्रिविलेज मानते हैं कि उनको एक पालकी, एक लेडी जो कि इस तरह से जा रही है, नए घर में जा रही है, तो उसको उठाने का उनको मौका मिल रहा है, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा हल्की लग रही है और बहुत ज़्यादा उनको खुशी हो रही है कि वो उसकी पालकी उठा रहे हैं. वी वियर हर अलोंग लाइक ए पल ऑन ए स्ट्रिंग, वी वियर हर अलोंग, हम सभी उसको एक मोती की माला में, मतलब माला में मोतियों की तरह हम उसको उठा रहे हैं कि वो हमें इतनी, वो मोती जिस तरह से माला बिना मोतियों के बेकार है, उस तरह से अगर पालकी है तो पालकी भी बिना ब्राइड के बेकार है. तो इस तरह से जो पेलिंकन बियर हैं, जो उस पालकी को उठाने वाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि वो एक तरह से एक रॉयल ब्राइड को उठाकर नए घर में, नए कस्टम्स में उसको ले जा रहे हैं. ठीक है, जो इस पोइम की जो थीम है वो एक्चुअली में जो हमारी इंडियन कल्चर की और जो मैरिजेज हैं उनको रिफ्लेक्ट करती है. इसमें पोएट जो डेलिब्रेटली और कंट्राडिक्टरी फीलिंग यूज़ करती है, जो लाफिंग की और वीपिंग की, जो हमने बात की लाफिंग की फर्स्ट स्टेंजा में थी एंड वीपिंग की सेकंड स्टेंजा में थी, कि ब्राइड इज़ सैड और क्राइंग हो रही है क्योंकि वो अपनी जो खुद की फैमिली है उससे सेपरेट हो रही है, बट वो हैप्पी इसलिए कि वो अदर फैमिली का पार्ट बनने जा रही है. तो इस तरह से जब वो पेलिंकन बियर मूविंग कर रहे हैं जेंटली और चीयरफुली, सी इज़ हैंगिंग लाइक ए स्टार इन द ड्यू ऑफ देयर सॉन्ग, सी राइजेज लाइक ए रे ऑफ द लाइट सीन इन द टॉप ऑफ ए टाइड, सी फॉल्स लाइक ए टीयर फ्रॉम द आइज ऑफ ए ब्राइड. तो इस जो आपकी पोएम है बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, इसमें मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको कोई डिफ़िकल्टी हुई अंडरस्टैंडिंग करने में, क्योंकि और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसमें पोइट बार बार उसकी इमेजरी करती है, जैसे उसको कभी फ्लावर से, कभी उसे वर्ड से, कभी उसे लाफ से, या तक कि कभी उसे उससे पल्स से, तो इस तरह से उसकी कंपैरिजन करके उसकी जो ब्यूटी, उसकी उसकी ब्यूटी, उसकी सराउंडिंग, जो एटमोसफियर मैरिज के टाइम पर जो क्रिएट होता है उसको काफ़ी हद तक बताने की कोशिश करती है. ये आपकी पोइम थी, थैंक यू वेरी मच.